आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मम ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेयोपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति 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 बोलते ना, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण का स्थान क्या है जानते? शांति में जो विसर्ग होता है उसके उच्चारण का स्थान क्या है? ऊना से विसर्ग का स्थान ऊना से होता है। कंठ क्या है कोई बोल सकते हैं? और कोई विसर्ग है ना, आप बोलिए कंठ। कंठ नहीं है। अयोगो बाहा स्वाश्रय स्थान भागिना नियम है। विसर्ग का जो आश्रय होगा, मतलब जिसके बाद में विसर्ग होगा उसका जो स्थान होगा, विसर्ग का स्थान वही होता है। जहाँ पर ओकार के बाद हो विसर्ग तो वहाँ पर कंठ होता है। सर्वत्र विसर्ग का स्थान कंठ नहीं। जैसे रामा, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण क्या होगा? यहाँ पर कंठ होगा, सर्वत्र कंठ नहीं होता है। ये पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में इसका विचार है उच्चारण का। चलो हाँ जी, उच्चारण ऐसे है, तालु में ही होगा। शांति आधा होगा, शांति ऐसा होता है। जैसे रामा, आप थोड़ा बुद्धि के एकाग्र करो तो पता लगेगा रामा। और इधर शांति, दोनों में अंतर है। एकाग्र किए बिना पता ही लगेगा, है ना? स्वाभाविक होता है ना? पूर्व वर्ण के अनुसार ही विसर्ग का होता है। शंभु, वहाँ पर क्या होगा? ओष्ठ होगा। वहाँ पर उपपद या नाम ओष्ठ होगा, तो ये नियम है। चलो कहाँ तक हो गए? तभी द्वितीय खंड हो गया। द्वितीय खंड के
अथ चतुर्थ अध्याय से द्वितीय खंड, द्वितीय खंड का द्वितीय मंत्र हुआ, तीसरा हो गया होना है ना। चलो देखो, ये उपकोशल विद्या है। उपकोशल उपकोशक बोलते जाना श्रुति, तो जाना श्रुति को रेक को यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। इसको कहते हैं संवर्ग विद्या। जो उपास्य हिरण्यगर्भ है उसमें उपास्य का एक गुण है जिसको संवर्ग बोला, आगे बताएंगे। उसमें संवर्जन एक गुण होता है जो अपने कार्य को लीन कर दे अपने में, उसको कहते हैं संवर्जन। तो संवर्जन गुण विशिष्ट प्राण ब्रह्म है और वही मैं हूँ, ठीक। ये आगे उपाख्यान के द्वारा कही जा रही है, उसके लिए भी भूमिका है। और उससे पहले चाहे निर्विषय ब्रह्म विद्या हो चाहे सविषय ब्रह्म विद्या हो, दोनों में अधिकार होना चाहिए। श्रद्धा आदि है, ये सब उपाख्यान के द्वारा कहा जा रहा है। तो द्वितीय हो गया ना, तो उसमें माला है और रथ लेकर गया। और कैसा रथ था वो? खाली रथ क्या? अश्वत्तरी से युक्त रथ। वो जा कर के गया और कहा कि जिस देवता को आप जानते हैं उपास्य को, ठीक, उसका आप मुझे उपदेश करें। याम देवताम उपास्य इति, देवता संस्कृत में देव शब्द और देवता पर्याय होता है ना। एक सूत्र है देवातल सूत्र, लिखना क्या याद तो हो गया। सूत्र क्या है? देवातल। स्वार्थ अर्थ में तल प्रत्यय होता है। स्वार्थ मतलब जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं किया गया हो प्रत्यय का, आप प्रत्यय का विधान किया गया हो तो उसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ। और निर्दिष्टार्थ प्रत्यय स्वार्थे भवन्ति, व्याकरण में नियम है, ठीक। तो देव से तल प्रत्यय बोल दिया, लेकिन किस अर्थ में नहीं कहा गया है ना। ऐसे विहित प्रत्यय को बोलेंगे स्वार्थ परक प्रत्यय। तो देव का जो अर्थ होगा देवता का भी वही अर्थ होता है, ठीक। लेकिन लिंग में अंतर होता है। देव शब्द पुलिंग में होगा और देवता तिल्ली में होगा। तलंतम स्त्रियाम एक सूत्र है, तलंतम स्त्रियाम लिंगानुशासन, पाणी अष्टादेके नहीं है। तलंतम स्त्रियाम मतलब तलंत तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग में होगा, ये देवता शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा और देवी का भी स्त्रीलिंग में होगा, ठीक। तो इसलिए याम देवतम उपास्य, जिस देवता का आप उपासन करते हैं उसका मुझे उपदेश करे। साधी मतलब क्या? उपदेश करे, अनुशासन करे। साधी के साथ अनु का उपसर्ग होगा, अनुसाधी, ठीक है। अनुसाधी में धातु सासु धातु होता है, सासु सासु मतलब वो सास नहीं, इसलिए यहां से रहती हूँ। इसी से शास्त्र शब्द होता है, शास्त्र शिष्य, ठीक है। शासक शास्ता इसी से होता है, इसी धातु से। आगे चलो तृतीय मंत्र में, तमोह परह प्रत्युवाचा हरेत्वा शूद्र तवैव सह गोभीरस्त्वेति तदुह पुनरेव जानश्रुतिः।
पौत्रायणः सहस्रम गवाम निष्कमस्व त्रिरथम दुहितरम तदा दाय प्रतिचक्रमे। हाँ देखो, परह प्रत्युवाच। पर कौन होगा? रेको। रेको यहाँ पर आचार्य है, गाड़ी वाला। उसने कहा कि तम, तम के नशे राजा नम, राजा से कहा जानसुते जो पुत्रायण है। प्रत्युवाच्य के बाद विच्छेद करना अह, यहाँ पर अह निपात है। हालांकि आह भी होगा लेकिन यहाँ पर अह है ना, इसलिए यहाँ पर अवग्रह नहीं दिया है पहचान के लिए, है ना। अवग्रह देगे तो आ निकल जाता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर प्रत्युवाच आगे अह, अह निपात है, अनर्थक है। हारे त्वा आगे शूद्र बोल जाए, अ तुम शूद्र हो, इसी को लेकर ब्रह्मसूत्र में खूब विचार है। वे शूद्र का अधिकार है कि नहीं वेद में, इसका विचार रहता है ना। तो यही इसी मंत्र को लेकर आता है, शूद्र इसको क्यों बोल दिया। है तो ये क्षत्रिय है, शूद्र बोलने का क्या अभिप्राय है। इसलिए इसको ठीक से समझेंगे तो ब्रह्मसूत्र सरल है। तो तुम शूद्र हो और हारेत्व, तुम जो हारेत्व ले हो, हारेत्व इत्वा बोलते यहाँ पर गाड़ी को बोलते हैं, रथ रथ सकटी है। और हार से जुक्ता ना है तो हारेण जुक्ता, इति हार जुक्ता पहले शब्द बनाओ। पहले एक दिन बताया था ना, मध्यमा पदलोपी समास होता है। जैसे लघु सिद्धांत में सूत्र वार्ती गएगा जो है, साक पार्थवेद नाम सिद्ध उत्तर पदलोपश्चोप संख्या नाम। जैसे पहले बनाओ साक जो है प्रिय पार्थिव होता है ना, पहले साक प्रिय शब्द बनाओ। साक जानते हो, पत्ते वाला साक को बोलते साक। हाँ, वो राजा को बड़ा प्रिय लगता हो, है ना। इसलिए साकम प्रियो यस्य, सह साक प्रिय शब्द हो गया बहुवरी समास। फिर उसके बाद कर्मधारय करो, साक प्रियश्चासौ पार्थिव, पार्थिव राजा सम्राट। उनको क्या अच्छा लगता है? साक खाना अच्छा लगता है, ठीक है। और ये समास करते हो साक प्रियसु प्रिय पार्थिवसु, तो पूर्व पद कौन हो गया? साक प्रिय। तो साक प्रिय में जो उत्तर पद है वो कौन हो गया? प्रिय। उसका लोप कर दो विकल्प से, तो क्या बनेगा? साक पार्थिव होगा कि नहीं। इसको कहते हैं मध्यमा पदलोपी समास, ठीक। इसी प्रकार उदाहरण है घृत घट, जैसे घी भरा है घड़े में, तो पहले बनाओ घृतपूर्ण, घृतेन पूर्णयति घृतपूर्ण, और घृतपूर्ण चासु घटयति घृत घट हो जाएगा, पूर्ण का लोप हो जाएगा, ठीक ठीक। इसी बार यहाँ पर भी हो गया, हारेणा युक्ता ये हारे युक्ता करो, तृतीया तत्पुरुष हो गया। फिर जो है इत्वा के साथ समास करो, इत्वा इत्वा किसके साथ? हार युक्ता सु इत्वा सु, ऐसा हो जाएगा, युक्ता का लोप हो गया, ठीक। इसलिए हार से युक्त जो तुम्हारी इत्वा है गाड़ी सकटी, रथ लाए हो ना तुम, ये सब जो है तुम्हारे पास रहे तब एव गोभीर सह अस्तु। गोभी मतलब प्रेमल, आज गोभी की सब्जी बने थे। गोभी तो है यहाँ पर देखो, तो गोभी से लदी हुई गाड़ी लाया होगा वो, ऐसा नहीं यहाँ पर। गो शब्द का तृतीय बहुवचन क्या बनेगा? गोभी बनेगा। गो के साथ स, गोभी स, तृतीयांत में सह, सह के योग में तृतीया होती है, सहयुक्त प्रधान है, एक सूत्र है सहयुक्त प्रधान है, तृतीया हो जाती है। बदले गो के साथ जो गोल बैल, उसके साथ जो तुम लाए हो। ये सब जो अस्तु,
ये तो तुम्हारे पास रहे सब, ऐसा बोल दिया और डांट दिया वो इसको, जोर से डांट दिया होगा, सब तुम्हारे पास रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर जो दोबारा फिर जा करके लेकर ज़्यादा लेकर के आया ऐसा कह रहे। तदुह पुनरेव जानसुति पुत्रायण, इसी प्रकार जो है ना कुछ आचे लोग ऐसे करते हैं, पहले पढ़ने के लिए जाओ तो भगा देंगे, क्या तुम मेरे जो पढ़ने के लिए भगा देंगे। फिर जो नम्रता पूरा फिर आएगा दोबारा तीन बार तीसरी बार तब पढ़ाते थे, है ना, ये सब परंपरा होती थी। तो एक गुरु जी थे काशी में, हम न्याय पहले तो गए तो मना कर दिया, हमारे पास समय नहीं है, दो बार गए वहाँ पर मना कर दिया, बार भी फिर तीसरी बार बोले कि 11 बजे आओगे पढ़ने के लिए भोजन के समय। मैंने हम लोग ने सोचा अरे महात्मा थे फिर मना करेंगे तो समय, फिर और समय नहीं है, आएंगे गुरु जी क्यों नहीं। वो गुरु जी पढ़ाने के बाद तुरंत बैठते थे, वो बहुत बड़े विद्वान हो काशी में न्याय के, ऐसे होते। तदु पुनरेव जानसुति, फिर जानसुति जो पुत्र है ना, देखो गौ लेकर गया, कितने गौ देखो, सहस्रम गवा है ना, मतलब गौ की 1000, यहाँ पर सहस्रम गवाम, देखो यहाँ पर सहस्रम कह दिया गवाम कह दिया, दोनों में समानाधिकरण नहीं है, सहस्रम प्रथमांत है, गवाम में षष्ट्यंत, इसलिए दोनों में समानाधिकरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर संख्या अर्थ में है, समझ में ना, इसलिए गौ की संख्या कितने थी 1000 संख्या थी। निष्कामा निष्काम निष्कामा स्वतरी रथम, निष्कामा क्या होता है, हार, कंठ का हार था ना, ये है निष्काम हार को बोलते हैं, कंठ का हार के आगे क्या अश्वतरी रथम, अश्वतरी बोलते हैं किसको, गधड़ी को, खचरी, हाँ खचरी को बोलते हैं, है ना, अश्वतर हो गए खच्चर, स्त्रीलिंग है अश्वतरी, वो खजरी को क्या करेगा पता नहीं, कुछ अश्वतरी से युक्त, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर ही मध्यम पदम भी है, अश्वतरी से युक्त जो रथ वो ले लिया, और जो है देखो दुहितरम, वो दुहिता को ले लिया, उनकी जो कन्या है उनका अभिप्राय को समझा होगा, रेखो के अभिप्राय को, वो गृहस्थ होना चाहते होंगे, गृहस्थ में जाना, इसलिए वो इसके लिए अनुकूल लाया होगा, प्रतिकूल तो नहीं लाया होगा, लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नहीं होगा, इसलिए दुहितरम प्रातिपद का दुहित्री है ना, जैसे मातृ का क्या बनता है, वंदे मातरम के मातारम, वंदे मातरम होता है, इसमें का दुहित्री का दुहितरम, दुहितारम नहीं होता है, वहाँ पर नियम होता है ना, वजंत आपके जो सुबंत में होता है, नियमार्थम नपत्रादि ग्रहणम नियमार्थम वित्पत्ति पक्षे, इसलिए दुहित्री को द्वितीय एक वचन होगा दुहितरम, मतलब कन्या, तद आधा सब लेकर के उसके पास गया, प्रतिचक्र में रेखो के पास गया वो, अच्छा है देखो वे। तमेव उक्तवंतम राजानाम प्रत्युवाच परोरेक्य, जो मंत्र में जो है ना देखो परा परोकार था रेक को लेना है, अतम कहने से राजा को लो, राजा से रेक को ने पहले ऐसा कहा है ना, अच्छा अह इति अयम, देखो मंत्र में ना अह प्रत्युवाच के बाद अह है, अह इति अयम निपात, ये जो अह है यहाँ पर निपात है, निपात है, तो निपात जो है विनिग्रहार्थो, ओकार है ना, ओकार है विनिग्रहार्थो, ठीक है विनिग्रह अर्थ में तो होता है निपात, भर्सना का अवधेतक होता है, जो टिप्पणी में दिया है एक नंबर विनिग्रहार्थ, इति भर्सना अवदोतिनो निपातिन गम्यमानो, ऐसा दिया है ना, हाँ भर्सना के लिए निरादर अर्थ में तो होता है प्राय करके अह शब्द,
है ना, अन्यत्र अन्य जगह पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जो कह दी ना भर्सना अवधोतिना, अवधोतिना निपात तेना, अवधोतिन क्यों बोल दिया, क्योंकि निपात का ही स्वभाव होता है, निपात अर्थ का वाचक नहीं होता है, अर्थ का ज्ञापक द्योतक होता है, पहले मैंने बताया था, है ना। जैसे कह दिया कि जो है अवगच्छति बोल दिया, देवदत्त सप्त पदार्थान अवगच्छति, अवगच्छति का अर्थ क्या है यहाँ पर, ज्ञान, है ना। ये जो ज्ञान जो अर्थ है ये तो धातु का अर्थ होता है, यहाँ पर अवगच्छति में गम धातु है, धातु का अर्थ क्या है यहाँ पर, जानना, उसका वाचकत्व तो गम में है लेकिन द्वैतकत्व अधि में होता है, निपात द्वैत होता है वाचक नहीं होता है, पहले मैंने बताया था ना। स्व सभी व्याहृत पदनिष्ठ शक्ति अर्थ बोधकत्व द्वैतकत्व, इसको कहते हैं द्वैतक व्याकरण में, स्व सभी व्याहृत पदनिष्ठ है ना, अर्थ शक्ति उद्बोधकत्व, इसी का नाम होता है द्वैतकत्व। निपात को द्वैतक कहा जाता है, वाचक नहीं, क्रिया का वाचक धातु होता है, निपात जो उपसर्ग वगैरह होते हैं ना वो वाचक नहीं होते हैं, यदि वाचक कहेंगे तो वो भी धातु कोटि में आ जाएगा, उसको भी ऑट आटा कम हो जाएगा सब, ठीक। चलो इसलिए यहाँ पर टिप्पणी करने क्या कहा, भर्सना अवधति ना बोल दिया, वाचक नहीं बोला, ये सब सूक्ष्मता होती है साध्य में। चलो अहति अयम निपात विनिग्रहार्थो अयो, विनिग्रहार्थी अयो, विनिग्रहार्थी अयो, क्या लिखा है, थी जो, हाँ ठीक है, हाँ अन्यत्र यह तो अनर्थक, अन्यत्र तो विनिग्रह अर्थ है, भर्सना अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में है, बोले अनर्थक, कोई विशेष अर्थ नहीं है, किसका, अह का, प्रतिवाच अह, ऐसा निश्चय किससे किया आपने, बोलते एव शब्द से पृथक प्रयोग, क्योंकि एव शब्द तो आ गया ना यहाँ पर, तब एव ये सब तुम्हारे पास हो, इसका मतलब क्या होगा, भर्सना अर्थ तो आ गया, निरादर अर्थ तो आ गया, इसलिए यहाँ पर अह का अर्थ निरादर नहीं है, भर्सना नहीं है, ये निरर्थक हो गया, मतलब पाठ करने के लिए केवल। अच्छा आगे देखो न, हारेत्वा, देखो मंत्र में आया हारेत्वा, हारेत्वा इसका अर्थ देखा लिख दिया, हारणा जुक्ता इत्वा, देखो यहाँ पर जुक्ता है, ये जुक्ता के यहाँ पर लोप किया है, मध्यम पद लोप, इत्वा मतलब कौन है, गंत्री सकटी, सेयम हारेत्वा गोभी सह तवैव अस्तु, मतलब तवैव तिष्ठ, तुम्हारे पास सब रहे, हमको नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया, तात्पर्य नहीं चाहिए, मतलब इतना लाया हो ना, ये कम है, ये और ज्यादा चाहिए, इसलिए बोल रहा है, उसकी परीक्षा है, ये सब परीक्षा करने के लिए होता है। ना मामा अपर्याप्त ना कर्मार्थम, धन किसके लिए होता है, भोग के लिए नहीं होता है, धन तो कर्म करने के लिए होता है, कर्म के लिए, कर्मार्थम अनेन प्रयोजनम इति अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय हे शूद्र, ही संबोधन है। अच्छा थोड़ी टीका है, गार्हस्थार्थिना तव कर्म अनुष्ठानार्थम, गृहस्थ होना जो चाहता है गार्हस्थार्थी हो गई है, कर्म का अनुष्ठान के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए कि नहीं, है और अभिषेक वगैरह करोगे, भंडारा करोगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है कि नहीं। इदम धनम तिष्ठात, तिष्ठतात, ये धन जो है रहे, तिष्ठतात रहे, यदि चेत बोले आह, बोलते ना ममा पर्याप्त है ना, भाई ये पर्याप्त नहीं ना है, थोड़ा लाइयो। अच्छा अब देखो विचार, ये शूद्र शब्द बोल दिया ना, ये शूद्र शब्द जो बोल दिया, ये क्षेत्रीय है उसको शूद्र बोल दिया, कारण क्या है, देखो लिखे शूद्र शब्द न जानश्रुते संबोधनम अनुचित है, जानश्रुति के लिए संबोधन किया शूद्र शब्द से,
ये तो उचित नहीं है, अनुचित शब्द है ये। इति इस अभिप्राय से चोदयति, शंका उठाता है ये पूर्व पक्ष। देखो ननो राजा असो, ये तो राजा है ना, ये तो राजा है। क्षत्रिय संबंधात, वो तो राजा है। ह छत्तारम उवाच, राजा को किस शब्द से बोल दिए, शूद्र शब्द से बोल दिए ना, तो शूद्र शब्द से बोलना तो युक्ति युक्त कहाँ हुआ। अच्छा और भी है, विद्या ग्रहणाय च ब्राह्मण समीप उपगमा, आप विद्या ग्रहण करने के लिए किसके पास जाना हो, ब्राह्मण समय के पास उपगम होता है ना। ऐसा होने से और शूद्र का अधिकार है नहीं इसमें, शूद्रस्य च अनधिकारात, है ना। कथम इदम अनुरूपम, भाई ये अनुरूप से अनुरूप शब्द कैसे किया, रेको रेको के द्वारा बुद्धिमान है, विद्वान है ना, इतना जानते हुए भी तो उसको शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया है ना। कथम इदम अनुरूपम, अनुरूप शब्द कौन हो गया, शूद्र, और विद्वान है रेक्व, रेक्वेण उच्चते, है ना। हे शूद्र इति, हे तो नहीं है लेकिन अध्यार करना है, हे शूद्र, हे कहने से संबोधन का ज्ञापन होता है, हे शब्द से, हे ना कहने से भी संबोधन होता है। स्पष्टीकरण के लिए हे बोलते हैं, हे शूद्र इति। अच्छा थोड़ी टीका है इसी के ऊपर, लो देखो। तस्य अशूद्रत्व हेतंत्रम, राजा शूद्रत्व है ही नहीं, ये तो अशूद्र है, इसमें दूसरा एक हेतु बता दिया, हेतंत्रम अन्य हेतु है ना, इति हेतंत्रम ऐसे होता है, जैसे अन्य सूत्रम इति सूत्रांतरम ऐसा है। मयूर वंशका दयश्च, एक सूत्र है तत्पुरुष के अधिकार में, मयूर वंशका दयश्च उससे होता है, यही है। अन्य हेतु इति हेत्वंतरम, मतलब दूसरा हेतु बताते हैं, क्या हेतु बता दिया, विद्या ग्रहणाय, विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण के समीप गया है। अच्छा अधिकार और थोड़ा क्या है, तस्य श्रुति द्वारा विद्या अधिकरो नास्ति, तस्य कहने से किसका, शूद्रस्य। श्रुति द्वारा, श्रुति में भी ऐसा कहा गया, विद्या अधिकारो नास्ति इति, कहाँ पर इसके ऊपर विचार किया गया, मतलब ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर विचार है, इसको कहते अपशूद्र अधिकरण, एक अधिकरण का नाम है अपशूद्र अधिकरण, तो नीचे दिया है दो नंबर टिप्पणी में दिया है, सुखस्य तद अनादर श्रवणा तदा द्रवणा सूच्यते, ऐसा एक सूत्र है, 1334 यहाँ पर कहा गया, इति अधिकरणम निर्देशति अपशूद्र, अभी सब बताएंगे देखो। सुखस्य मतलब सुखस्य, इसको विच्छेद करके रखिएगा, सुगस्य एक पद नहीं, अलग अलग पद है, सुख आगे अस्य, ऐसा करना है। तो यहाँ पर जो है सुख, सुख का अर्थ होता है दुख, यहाँ पर उसको बड़ा दुख हुआ कि नहीं, किसको, राजा को, हंस के वचन को सुन करके उनको बड़ा दुख हुआ था, ठीक है, ऐसा दुखी होकर गया था रेखव के पास, ये बोलते हैं यहाँ पर सुख अस्य, है ना, हंस वाक्य के सुन करके, तद अनादर श्रवणात्, जान श्रुति को दुख क्यों आ जाए, उसे सुन लिया ना हंस से, अरे ये तो सामान्य व्यक्ति है, रेखो की तरह है ही नहीं है, कर्म कवर करता है, उपासना तो करता है ही नहीं, इसलिए तत् अनादर श्रवणात् तस्य हंसस्य, हंस के मुख से जो अनादर का कथन सुना उसको सुन करके जान श्रुति को जो दुख उत्पन्न हुआ, अस्य सुख, जान श्रुति को जो दुख उत्पन्न हुआ, यही जो उत्पन्न होने वाला जो दुख है ना, वो सूच्यते, उसके द्वारा ये सूचित किया होता है,
सूचित होता है कि सूत्र शब्द से सूचित हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो उसमें दिया है तदा द्रवण है जान श्रुति, किसके पास आद्रवण किया, आद्रवण गमन किया, रेको के पास गमन किया और दुख से गमन किया। सूत्र का ही भावार्थ होता है, बड़ा दुखी होकर गया इसलिए उसको शूद्र बोल दिया। शूद्र जाति का है ऐसा नहीं। ठीक है आया जी, क्या जी होते हैं, लेकिन यहां पर जिस प्रसंग के अनुसार कि जो जानश्रुति जो गया उसको शूद्र क्यों बोला, इसके ऊपर विचार है। दुख से गया था इसी अभिप्राय से उसने बोल दिया कि शूद्र है। किसने? रेक कौन है? वो शूद्र जाति का है इसलिए ऐसा कहा, ऐसा नहीं, ऐसा ब्रह्मसूत्र में विचार है इस अभिप्राय से। रूढ़ को नहीं लेना, मतलब दो प्रकार शब्द है ना, है ना, एक रूढ़ और एक क्या यौगिक। यहाँ यौगिक अर्थ को लेकर शूद्र कहा गया, रूढ़ अर्थ को लेकर नहीं। वो तो ब्राह्मण भी दुखी होता है, वो अभिप्राय नहीं यहाँ पर। एक रूढ़ होता है एक यौगिक होता है। जैसे मान लीजिए गच्छति थी गौ बोलेंगे, जो जाती है वो गौ, तो कुत्ता भी जाती है उसको गौ कहेंगे क्या? तो गौ माता में जो गौ शब्द का प्रयोग होता है वो किसको लेकर, यौगिक नहीं होता है, उसको कहते हैं रूढ़ होता है। यहाँ पर यौगिक अर्थों को लेकर शूद्र कहा, रूढ़ अर्थों को लेकर के नहीं कहा गया, ये विचार है। ठीक है चलो, ठीक है ना। तस्य श्रुति द्वारा विद्या अधिकारो नास्ति इति अपशूद्राधिकरण, अपशूद्राधिकरण ब्रह्मसूत्र का निर्धारित किया गया, ब्रह्मसूत्र में सब विचार है। इति अस्य न, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने कहा जो शूद्र से च। अच्छा भाई थोड़ी जो है टीका ले लो। जाना सूते सती क्षत्रिय, लेकिन जाना सूते तो क्षत्रिय है, उसके लिए शूद्र शब्द और शूद्र शब्द से संबोधन करना ये तो योग्य है ही नहीं, अयोग्यम। इस अभिप्राय से उपसंहार करते हैं कथम, वहाँ पर कथम कहाँ पर है, कथम इदम अननरूपम, रेको के द्वारा क्षेत्रीय जानश्रुति के लिए अनुचित शूद्र शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। अच्छा देखो और आगे, न जाति शूद्रो जानश्रुति, ये जानश्रुति वो जाति से शूद्र नहीं है, वो तो क्षेत्रीय है वो, किंतु अगर देखो टीकाकर स्पष्ट किए हैं सब, किंतु क्षेत्रीय वो तो क्षेत्रीय है। अस्मिन् गौणः शूद्र शब्द, यहाँ पर शूद्र शब्द गौण है, मुख्य नहीं है, ये बोलते हैं। इति एकीय मत, किसी एक किसी को कुछ आचार्यों का मत है, एकीय मत उपन्यास न परिहरति, एके भव इति एकियम, एके भवम इति एकियम, मतलब कुछ लोगों का मत उसको लेकर के परिहार करते हैं। देखो जैसे भी परिहार हो जाना चाहिए, तत्र आहुर आचार्य, कुछ आचार्य लोग इसी प्रकार कहते हैं। देखो आचार्य कहने से क्या, उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं, तब तो आचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तत्र आहुर आचार्य, यदि सम्मान न करते ना केवल आहु बोल देते। देखो हंस वचन श्रवणात्, भाई हंस वचन को सुन करके उनको बड़ा दुख हुआ है कि नहीं, दुख हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं, है ना, सुगे सुगे क्या लिखा है, सुख एनम, सुख एनम आविवेश, मतलब क्या, दुखी होकर के रेको के पास हो गया, ऐसा है, तो इसलिए गौण शब्द हुआ है। हाँ दुखी होने से उसको बोल देगा। ऐसा नहीं कि तेना असौ, आगे देखो तत्राह बोल दे थोड़ी आर आगे, तेना असौ सुचा श्रुत्वा रेकस्य महिमानं वा द्रवति इति ऋषिर
आत्मना परोक्ष गताम दर्शयन शूद्र इति आह इति। इसलिए जो है तेना, तेरा मतलब क्या, दुख से आविष्ट होकर के, है ना, वो जहां सोते जो है बड़ा दुख वो करके वो गया हो उसके पास। क्यों दुख हुआ मालूम है, वो उनके वचन को सुन करके, है ना, हंस के वचन को सुन के सुत्वा। और किसकी महिमा को सुना था, रेको, रेको की महिमा को सुना। और अपने क्या है, अपने अनादर वचन को सुना, निंदा दोनों एक साथ सुनने से सहन नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। द्रवती, द्रवती का अर्थ ध्रुवगत, ये धातु ध्रुवगत, द्रवती का गच्छति। इति ऋषिर आत्मना परोक्ष गताम। लेकिन ऋषि जो है ना, वो तो तपोबल से वो जान लिए थे, वो जान श्रुति के वचन को भी जान लिए थे वो, इसलिए परोक्ष गताम दर्शन उसको दिखाते हुए, इसलिए क्या बोल दिया, शूद्र इसलिए शूद्र बोल दिया, शूद्र इति। अच्छा थोड़ी टीका लो, स्पष्टीकरण हो जाए। तेना से क्या लेंगे यहाँ पर, तेना सुख आविष्टत्वेना, ये देखो सुखाविष्टत्वेना, असौ सुख से दुख पीड़ित होकर के, मतलब आविष्ट होकर के, कौन असुख ने जानसुति ले लो, जानसुति ही सुचा हेतुना रेकम आद्रवती, ये देखो है। इसलिए वो रेको के पास जो गए जाते हैं, है ना, किस हेतु से गया, देखो दुख, दुख के निमित्त से तो गया, हो दुख हुआ तब तो गया। सुचा हेतुना रेकम आद्रवती इति शूद्र, तो क्या अर्थ हुआ, रूढ़ हुआ कि योगी, योगी हो गए, रूढ़ अर्थ यहाँ पर नहीं हुआ। अच्छा श्रुत्वा वा हंसवाक्यम रेकम आद्रवती, और सुना हंस के वाक्य को सुन करके देखो के पास गया। इति निमित्तिकम तत्र सूत्र शूद्र पदम, इसलिए सूत्र पद कैसा होगा, नैमित्तिक हुआ। तथापि किमिति शूद्र पद न राजा नाम ऋषि संबोधयति, फिर भी ये तो नहीं जंच रहा है, ऋषि जो है राजा को शूद्र पद संबोधन क्यों करते हैं। इति आशंक्य ऋषि, क्या बोल दिया वहां पर भाष्य में, ऋषिर आत्मना परोक्ष गता, ऋषि जो है ना अपने में परोक्ष गता को देखते हुए शूद्र का, परोक्ष गता मतलब क्या है, परोक्ष ज्ञता, परोक्षज्ञ क्या है ऐसा, है ना, हाँ परोक्षज्ञ, परोक्षम परोक्षतया जाना देते परोक्षज्ञ, मतलब किसको परोक्ष रूप से जाना, हंस वचन को सुन जाना है, ऐसा ही क्या देखना पड़ेगा, परोक्ष गता और क्या, ऐसे होना चाहिए, वार्ता तो परोक्ष है ना, और क्या, चलो देख दर्शन शूद्र इतिहा। उक्त प्रकार द्वय समाप्त इति शब्द, तो यहाँ पर इस प्रकार द्वय को दो प्रकार से शूद्र का है ना, इसलिए यहाँ पर उपसंहार करने के लिए इति शब्द हो गया, दर्शन शूद्र इति आह इति, यहाँ पर जो इति आया। अच्छा और आगे आगे भी ठीक है, ये ठीक थोड़ी ठीक है, प्रकारांतरण जान सुते है शूद्रत्म गौणम व्युत्पादयते, दूसरे प्रकार से भी यहाँ पर शूद्र शब्द जान सुति के लिए ये मुख्य नहीं है, गौण है, गौणम व्युत्पादयति, कैसे शूद्र बदवा है, तो शूद्र की तरह जो है शूद्र बदवा धनेना एव एनम विद्या ग्रहणाय उपजगाम न च शुश्रूषया, ये तात्पर्य यहाँ पर है। विद्या ग्रहण के लिए जो गया, केवल धन लेकर गया ना, है कि नहीं, योग्य बनकर नहीं गया हो, न च शुश्रूषया, देखो शुश्रूषा के लिए गया क्या, हो सेवा के लिए गया, वो तो सीधा धन दे दिया भाई, उपदेश करो देवता का उपदेश करो इसलिए देखा जाते, इसलिए सब शूद्र हो गए, मतलब ये ऐसा और तो हुआ ना, ये भी तो योगी हुआ ना, मुख्य तो नहीं है, है ना, जो केवल धन देकर धन देकर केवल सुने सेवा आदि ना करे,
तो भाष्यकार भगवान के अनुसार क्या हो गया साहब? हो गया, हम नहीं बोल रहे अभी, भगवान भाष्यकार बोल रहे शूद्र बदवा धने न एवक, एवकार लगा रहे, मतलब क्या है? सेवा नहीं करते, केवल धन देता है। धने न एव एनम विद्या ज्ञान उपजगाम, इसलिए न तो शुश्रूषया, सेवा के द्वारा तो गया नहीं, वो सेवा करते हो तो गया नहीं है ना। न च शुश्रूषया, केवल इतना अर्थ कर लो, न च शुश्रूषया तृतीयांत तेना, इसलिए जाना सूत्र को क्या बोल दिया? शूद्र बोल दिया, शूद्र इति शेष ऐसा है। अरे भाई, जो केवल मतलब से जाए, भाव कुछ है ही नहीं, बस है ना, ऐसा तात्पर्य। न तो जात्य एव शूद्र इति, ये तात्पर्य हो गया। ठीक है, देखो मुख्यम शूद्रतम क्षत्रिय संबंधना व्यावर्तय, ये देखो यहाँ पर मुख्य शूद्रत नहीं हो सकता है छत्ता के लिए, क्षत्रिय के लिए है ना, क्षत्रिय के लिए शूद्र शब्द का मुख्य प्रयोग नहीं होगा, ये बोलते हैं। न तो जात्य एव शूद्र, वो जाति से शूद्र थे इसलिए शूद्र का, ऐसा नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्षत्रिय जाना सो, तो क्षत्रिय है जान, जनिया सो तो क्षत्रिय है, और उसमें शूद्र शब्द प्रवृत्त हो, शूद्र शब्द की जो प्रवृत्ति हुई रेक के द्वारा, इसमें और एक निमित्त बता रहा है, निमित्तांतरम, क्या निमित्त है देख लो, अपरे पुनः, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, आहो अल्पम धनम आरित, ऐसे भी लोग खूब डांटते हैं भाई, थोड़ा सा दिवस दिखाने के लिए ले जाते हैं लोग, ऐसा होता है कि नहीं? अल्पम धनम आरितम इति, इसलिए वो गुस्सा आ गया तो शूद्र बोल दिया वो, कौन रे कौन है अल्पम धनम आरितम इति, इस अभिप्राय से रूसा एव एनम उक्तवान शूद्र है ऐसा अंत में ऐसा अर्थ कर दिया विभाषेकर ने, एनम कहने से कौन, जानसुदी, जानसुदी को शूद्र शब्द बोल दिया, शूद्र इति। चलो, तत्र गमकम दर्शयति, इसमें क्या ज्ञापक है चिन्ह, ज्ञापक शब्द क्या है, तो कहते हैं लिंगम च, लिंग बोला ज्ञापक, बहु आहरण उपादानम धनस्य, क्योंकि दोबारा फिर गया कि नहीं, खूब धन लेकर गया है ना, इसलिए लगता है ये थी। तदु हर्षम, हाँ तदु हर्ष, तदु ह, तदु ह ऋषेर मतम, क्योंकि ऋषि का अभिप्राय को जान लिया ना कि और धन चाहिए, आचार्य खूब धन चाहिए, कुछ का प्रयोजन होगा कुछ, इसलिए तद ओ ह ऋषेर मतम ज्ञात्वा पुनरिव जानसुति पुत्रायण गवाम सहस्रम अधिकम जायाम च ऋषेर अभिमताम दुहितरम आत्मनस्तद आदाय प्रतिचक्रमे क्रांतवान, ये तात्पर्य हो गया कि दोबारा गए ना ऋषि का ये प्रयोग जानते हुए, ज्यादा धन लेकर गए, इसलिए पहले जो लिया था उससे प्रसन्न नहीं हुए थे, है ना, सामर्थ्य है ना, राजा के पास सामर्थ्य और थोड़ा सा लेकर के आया है, इसलिए डाल देते हैं। वहां पर वो गीता गोटर के पास भी थे, संत थे हमारे, बड़े विरक्त महापुरुष थे, और उस कोई आएगा तो पराय करके ऐसे ही शब्द बोलते हैं, शूद्र बोल देते, हम सुनते थे वहाँ पर गीता गोटर के पास, और कोई भी पूछ लिया कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तब तो बिगड़ जाते थे, पहले गाली देते थे उसको, लेकिन कोई नाराज नहीं होते थे, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ नहीं देख रहे हो, अब पूछ रहे हो स्वास्थ्य कैसा है, जो जो पूछना चाहिए वो पूछो, तुम क्या पूछना चाहिए भाई, तुम्हारा कल्याण कैसे हुआ वो पूछो, मेरा स्वास्थ्य क्या पूछते हो, तो महाराज जी के कान ऐसे था ये सब संत का हुआ। अच्छा, आगे देखो भाई, अगला मंत्र है, चार नंबर है, थोड़ी टीका दे गया, तद ऋषेर मतम, वो ऋषि का मत है, अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है देखो, अधिक धनार्थ, ओ अधिक धन चाहिए था उनको, आचार्य को अधिकम साढ़ सत्य सकाश, ये तो सरल है। चतुर्थ मंत्र देखो, ताम हा विवाद रेके द्वम
सहस्रम गवामयम् निष्कोयमश्वतरीरथ यम जायायम ग्रामो यस्मिन् नास्यन्नेव मा भगवः साधीति। वो राजा गए, उसके पास संबोधन किया, पूजा पाठ सब किया होगा, आई सब रेख को, ये सब आपके लिए, इदम सहस्रम गवाम, 1000 गौ है, ये कंठ का हार भी है पहनने के लिए, और रथ भी है, खचरी से युक्त रथ भी है, और क्या ये मेरी जाया है, देखो दुहिता है, दुहिता आपकी पत्नी के उपयोग हो, और जहाँ पर रहते हैं ना, ये भी सब आपका है, ये सब आपका ही है ना, पहले सब ऐसे ही होता था ना। ग्रामो यस्मिन, जिस ग्राम में आप रहते हैं, यस्मिन आसे, है ना, ये सब आपका है, आपके चरणों में सब अर्पित है, ऐसे बोल दिए। लेकिन आए हो किसके लिए फिर, बिना मतलब का आए हो क्या? ना, मतलब तो है, ये क्या मतलब है, देखो, हे भगवान संबोधन, हे भगवान बोलते हैं कि माँ अनुसाधी, मुझे आप उपदेश करें, जिस उपास्य का आप जानते हैं वो, उसका आप मुझे अनुशासन के, मतलब जो है उपदेश करें, अवश्य उपदेश करें, मतलब इसलिए मैं आया हूँ, मेरा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एव शब्द है, अनु एव, अनु का अन्न करो कहाँ पर, साधी के साथ, सूत्र है व्यवहिताश्च, क्या सूत्र, व्यवहिता छंदसी परे अपि, छंदसी परे अपि, सूत्र है ना, ते प्राग धातु, उपसर्ग धातु के पूर्व में होता है, पर में नहीं होता है, लौकिक यदि हो तो, और वैदिक यदि हो तो छंदसी परे अपि, वैदिक तो धातु के पर में भी हो जाता है, ठीक। और तीसरा सूत्र हो गया व्यवहिताश्च, व्यवधान होने पर भी कहाँ पर, छंद में, वेद में होगा, लौकिक में नहीं, ये तीन सूत्रों को याद रखिएगा। एक सूत्र हो गया ते प्राग धातु हो गया, दूसरा सूत्र हो गया छंदसी परे अपि, तीसरा सूत्र व्यवहिताश्च, ये तीन सूत्रों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद, ये प्राय आता है सब। अच्छा, रेक्व यदम, रेक्व संबोधन के लिए का, हे इदम गवाम सहस्राम अयम निष्को, ये माला भी आपका है, अश्वतरी रथ यम जायार्थम, ये जो दुहिता है वो ये आपके जाया के लिए हो, मम दुहिता आनीता, वो साथ में लेकर आया है। अयम च ग्रामो यस्मिन आसे, जिस ग्राम में आप रहते हैं, आसे गार तिष्ठसि, सच त्वदर्थे मया कल्पे, सब आपके चरण में का अर्पित है वो, तद एतत् सर्वम् आदाय, ये सब लेकर के आप मुझे उपदेश करें, ये देखो अनु लगाते हैं ना यहाँ पर, देखो अनु साधी है वो, मुझे आप अवश्य उपदेश करें, माँ माम, माँ का अर्थ माम, हे भगव, यहाँ पर संबोधन है भगव, यहाँ पर संबोधन, इत्युक्त तस्या जायार्थम आनीताय राज्ञो दुहितरु हैव मुखम द्वारम, ये सब साधन हो गया जितने लाए थे, है ना, विद्या ग्रहण करने के लिए साधन है ये, द्वार है ये, दरवाजा है ये, किसके लिए, विद्या यह दान है, तीर्थम, ये इसको कहते तीर्थ, उपदग्रहण, ऐसा ग्रहण करते हो जान लिए, हाँ ठीक है ये अधिकारी है, जानन इत्यर्थ, ऐसा कहा गया ही है, देखो ये पुराण आदि में कहा गया। ये श्लोक थोड़ी टीका ले लीजिए, विद्यादाने तस्या दारत्वम, विद्यादान में वो द्वार हो गया, वो कन्या भी लगे ना, मतलब क्या सेवा भाव है, ये तात्पर्य है, जो उसको देने वाला उसको तीर्थ कहा गया, बर ज्ञान दान तीर्थता जानन उवाच, है ना, ये ज्ञान देने में ये तीर्थ है, ये देने वाला ही तीर्थ हो गया, राजा तीर्थ है, मतलब जिसको दिया जाता है उसको भी तीर्थ कहते हैं। यदि संबंध धनदात और विद्या दान तीर्थत्व प्रमाण भाव, देखो लिख दिया ना, इसलिए धन जो देने वाला है अभिमान से नहीं, निरअभिमान से,
निराभिमान से जो धन दे रहा है आचार्य के, जो अभिष्ट वस्तु है वो होता है तीर्थ। क्या करने के लिए? टाइम पास करने के लिए नहीं, विद्यादान तीर्थ है। विद्या दान देने में वो होते हैं तीर्थ, बोले विद्या दानाय तीर्थ, अतः विद्या दान से तीर्थ। इसमें प्रमाण को दिखा रहे हैं, प्रमाणम आह, इस श्लोक को याद रखना चाहिए। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या वा विद्यां प्राह ताने तीर्थानि शर्म मम। ये सब तीर्थ कह दिया। तो ये सब देखो, पहले भी आए थे ना, बतलाए थे आप लोगों को। तो सबसे पहला तो कह दिया ब्रह्मचारी बोल दिया, ब्रह्मचारी जी का पालन होना चाहिए ना, ऐसा कहा। तो धनदायी धन देता है, अभिष्ट धन को जो देने वाला हो, धनदायी हमेशा हो, उनका हाथ खुला रहता है, ये तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि मोक्ष चूस हुआ था नहीं। देने में जिसका हाथ खुला है इसी का नाम होता है धनदायी, योग्यता के अनुसार, नहीं तो चुरा कर थोड़ी देगा। सामर्थ्य के अनुसार धन देने में जो हमेशा खुला रहेगा, हाथ को खुला रखे, इसी का नाम था धनदायी। वहाँ पर स्वभाव व्रत में होता है ना प्रत्यय, धनदायी में मेधावी भी होना चाहिए ना, मेधा तो होनी चाहिए ना बुद्धि में, योग्यता होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए। आज सुबह पढ़ा शाम को भूल गया तो कैसे हो। तो आचार्य ही परेशान हो जाएगा बताते बताते, ऐसा है। हाँ, ये हमारे आश्रम के पीछे से पढ़ने आते थे, महात्मा थे। मैंने एक हफ्ता तक पढ़ाया किसको, शुक्ला ब्रह्म विचार सर, एक हफ्ता तक याद नहीं कर पाया। मैंने हाथ जोड़ दिया, महाराज आप भजन करो अच्छा है। मेरा भी टाइम बचेगा। तो कैसे पढ़ेगा वो। मेधावी होना चाहिए। और क्या कह दिए, श्रोत्रिय भी, श्रुति को जाने श्रोत्रिय कह दिया है ना। और क्या है सबसे बड़ी चीज, तो क्या मालूम है, प्रिय बोल दिया। क्या कह दिया, प्रिय प्रिय प्रिय, सबसे प्रिय बुद्धि होनी चाहिए ना। ऐसा है, नहीं तो अभिमान हो जाता है। और देखो कभी कभी क्या आ जाता है, विद्या विद्या वा विद्याम प्राह, विद्या से भी विद्या दी जाती है, विद्या से भी विद्या, विद्या से विद्या कैसे है, मान लीजिए कोई व्याकरण जानता है, न्याय नहीं जानता है, कोई न्याय जानता है, व्याकरण नहीं जानता है, हो गया ना। तो व्याकरण पढ़ने वाला वो गया किसके पास, न्याय के पास। हाँ, वो थोड़ा व्याकरण पढ़ दे, ये थोड़ा न्याय पढ़ा दिया, ऐसे होते हैं ना ये सब, ये भी तीर्थ है। अच्छा, तस्याः द्वारताम विद्यादान, वो द्वार हो गया ना, जो कन्या दिया ना वो भी द्वार हो गया, विद्यादान तद धातु, इसलिए देने वाला राजा है वो तीर्थ है। वो तीर्थताम च जानन उवाच उवाच, इसलिए कहा ऐसा, उक्तम अनुवदति एवं जानन, ऐसा कहा, ये सब जानते हुए उसको उपदेश किया। इति विद्यायाः वचनं विज्ञायते ही, अच्छा, एवं जानन उपद्रहणन, ऐसा जानते हुए, मतलब ये योग्य है, ये राजा योग्य है, ऐसा ग्रहण करता हुआ, धन को ग्रहण करता हुआ, फिर क्या उपदेश किया, उवाच मतलब उक्तवान, सब ग्रहण कर दिया, आजहार। ऐसा है, ये तो अगला मंत्र आ गया, एक साथ है, इसको कल करते पांच नंबर को, ये पांच नंबर प्रारंभ हो गया ना इधर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदः व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।